वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ चुनावी खबरें। महाराष्ट्र में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। इससे पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों खेमों में आखिरी दिन भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन ही दिखाई दिया। हालांकि आखिरी वक्त में महायुति में सीट शेयरिंग को सुलझा लिया गया है। महाराष्ट्र में चल रहे घमासान पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। तो विवेक, आखिरी दिन महायुति और महाविकास अघाड़ी ऐसी खिचड़ी पकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सीटों का बंटवारा हुआ है। सुन रहे हैं महायुति में बात बढ़ गई है, अघाड़ी में अभी भी मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा विपिन आपने। देखिए, नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, 3 बजे तक सभी को नॉमिनेशन भरने थे, लेकिन इसमें महाविकास अघाड़ी एक बार फिर पीछे रह गए। महायुति का फॉर्मूला पूरी तरह तय हो गया। हालांकि 2:45 या फिर 3 बजे तक भी रस्साकसी चलते रहे कि आखिरकार नवाब मलिक किस साइड से चुनाव लड़ रहे हैं। एग्जैक्ट 3 बजे ये सामने आता है कि नवाब मलिक और कहीं से नहीं बल्कि अजीत पवार गुट यानी कि महायुति से वो चुनाव लड़ रहे हैं मानखुर्द से। तो क्लियर हो गया। लास्ट मोमेंट तक महायुति के जो नंबर से वो अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन फाइनली क्लियर हुआ। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है महायुति का जो फॉर्मूला है, बीजेपी 148 जो शुरू से बता रहे कि बीजेपी नंबर वन पार्टी रहेगी, शिवसेना 85 सिद्धे कैंप की, और उसमें अजीत पवार को 51 सीटें मिली हैं, सहयोगी दल को 4, यानी कुल मिलाकर 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव वहां पर विधानसभा में। तो 288 सीटों पर महायुति का तो जो सीट शेयरिंग है वो फॉर्मूला पूरी तरह से बन चुका है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी भी पूरी तरह से पेच फंसा हुआ है। वहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, 102 सीटों पर, उद्धव गुट 84, समाजवादी पार्टी शरद पवार गुट 91, तो टोटल अगर किया जाए तो 277, यानी कि 11 सीट अभी भी अप एंड डाउन है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि जो कुछ है उसमें समाजवादी पार्टी के भी फॉर्म भरे गए हैं, कुछ जो उनकी जो छोटी साथी पार्टियां हैं, किसानों की पार्टियां हैं, वो भी फॉर्म भर चुकी हैं। तो नंबर अब तक खुल के सामने नहीं आए, क्योंकि देखिए इसकी एक वजह है विपिन, अगर सामने आ जाएंगे तो हो सकता है कि जो कैंडिडेट उस पर मतभेद हो, मतभेद होने के बाद क्लैशेस हो, इसलिए महाविकास अघाड़ी के नेता इसको ओपन नहीं करने जाते हैं। लेकिन देखिए नियम के अनुसार होता क्या है, अगर नियम के अनुसार ये होता है कि कोई अगर कैंडिडेट फॉर्म भरता भी है लेकिन वो सिम्बॉल के लिए अपना एवी फॉर्म नहीं देता है, तो विड्रॉल जो है वो 4 नवम्बर है। तो इलेक्शन कमीशन जब स्क्रूटनी में डॉक्यूमेंट जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपका ये फॉर्म में एवी फॉर्म नहीं है, तो कोई भी कैंडिडेट जो एवी फॉर्म है वो 4 नवंबर तक दे सकता है। यानी कि जिस कैंडिडेट को एवी फॉर्म नहीं मिला है या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उसको किसी न किसी पार्टी का सिंबल या फिर एवी फॉर्म मिलेगा, तो उस कैंडिडेट ने पर्चा तो भर दिया लेकिन एवी फॉर्म का इंतजार जरूर कर रहे हैं। तो सबकी नजरें आप 4 नवंबर को रहेंगे कि आखिरकार किसको एवी फॉर्म मिला है और किसको एवी फॉर्म नहीं मिला है। विपिन, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर अब नज़र रहेगी। बहुत कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, विवेक आपसे लगातार अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल नामांकन का आखिरी दिन और अपडेट विवेक ने आपको दे दिया। इधर आज महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के बाद अब असली चुनावी जंग शुरू हो गई है, कौन किस पर भारी, किसकी बात रहेगी आगाड़ी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 कर महाराष्ट्र के इस महासंग्राम पर होगी नज़र। महाराष्ट्र बिछ गई है बिसात।